My name is Pranav Grover. I'm 19 years old and I identify as a cis homosexual gender non-conforming individual. I am based in New Delhi and currently I am pursuing journalism and mass communication from IP University and the Vivekananda Institute of Professional Studies. Also, I'm a part-time model. I run an NGO for animals and also I'm a social media influencer. So, hi guys. Welcome to Tales by Suction. I am Pranav Grover and this is my story. So, I came out to my family back in 2016 when 377 was still in power. And it was very difficult us time pe because us time pe 377 charge mein tha and being gay in a country like India, illegal tha, bahut difficult tha. And I come from a very orthodox background and meri family itni zyada open-minded nahi thi. जहाँ मेरे को लगता था एंड कमिंग आउट वॉज नेवर माई ऑप्शन इट वॉज नेवर माई प्लान बिकॉज मेरे को पता था कि इफ़ आई कम आउट इन फ्रंट ऑफ माई फादर मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा अपने आप को ना ही वो करेंगे और अगर मैं करना भी चाहता हूँ अपने आप को एक्सेप्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा अपने फैमिली प्रेशर की वजह से बट आई गेस डेस्टिनी मेरे फेवर में नहीं थी एंड मेरे पापा को मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री के बारे में पता चल गया एंड उसमें काफ़ी सारा कुछ बिकॉज आई वॉज एक्सप्लोरिंग तो मैं काफ़ी ज़्यादा मेरा कंटेंट जो था काफ़ी उस टाइम पे बलगर था तो मेरे पापा को उस चीज़ के बारे में पता चल गया एंड कहीं ना कहीं उनको हिंट हो गया तो उस दिन तो मेरे घर में काफ़ी मारधाड़ हुई एंड काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई एंड काफ़ी ज़्यादा डेरोगेटरी टर्म्स मेरे लिए मेरे फादर ने यूज़ करे बट कहीं ना कहीं मेरे को वो सपोर्ट जो था जो मैं अपने फादर की तरफ से चाहता था वो मेरी मॉम की तरफ से मुझे आया बचपन से ही मैं अपनी मॉम के साथ काफ़ी कंफर्टेबल था मैं उनके साथ काफ़ी क्लोज था बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे पापा को पर्सनल स्पेस का मतलब समझ नहीं आता था एंड मेरी मॉम को वो चीज़ समझ आती थी बिकॉज मेरी मॉम दिल्ली से ही है तो उनका काफ़ी ही ओपन माइंडेड नेचर था तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता था अपनी मॉम से एंड मैं इस चक्कर में अपनी मॉम से ज़्यादा क्लोज होता जाता था क्योंकि मेरे को वो रिस्पेक्ट अपने पापा के साइड से नहीं मिलती थी तो जब मेरी लाइफ में ये सब कुछ चल रहा था आई गेस मेरे फादर मेरे साथ नहीं थे मेरी मॉम मेरे साथ थी मेरे पापा ने हमेशा बचपन से मेरी सारी नीड्स को कैटर किया है चाहे वो मेरी एजुकेशन हो चाहे वो मेरा क्लोथिंग स्टाइल हो चाहे वो कुछ भी हो बट एक मेंटल स्पेस के लिए जो आपको आपके दोनों पेरेंट्स चाहिए थे वहाँ पे सिर्फ मेरा एक ही पेरेंट था एंड मैंने उनको ही अपना फादर फिगर माना उस टाइम पे इट वाज डिफिकल्ट एट दैट टाइम बिकॉज वो एक्सेप्टेंस आपके आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ बट जब आप उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हो जब वही आपके साथ नहीं रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत हर्ट हो जाते हो उस चीज़ से कि मैंने इनको ट्रस्ट किया था एंड ट्रस्टिंग पीपल इज़ अ वेरी बिग इशू फॉर मी क्योंकि मैं बहुत टाइम लेता हूँ जब मैंने अपने ही ब्लड से जब मैंने अपनी ही फैमिली से अपना ट्रस्ट ब्रेक होते हुए देखा तो दुनिया में कहीं और ट्रस्ट ढूंढना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था जब ये सब कुछ चल रहा था स्कूल में मेरे साथ अलग ही चीज़ें चलती जा रही थी एंड इट वॉज जस्ट वेरी वेरी बैड आई गॉट सेक्सुअली हैरेस्ड इन माई स्कूल वॉशरूम्स क्यूबिकल बाय सम सीनियर्स बिकॉज आई वॉज वेरी शाई इंट्रोवर्टेड एफिमिनेट पर्सन एंड मेरे लिए घर पे अलग डिफिकल्टीज चल रही थी मेरे स्कूल में डिफिकल्टीज चल रही थी बिकॉज स्कूल में मेरे टीचर्स मेरे पीयर्स मेरे को छक्का हिजड़ा हलवा इसकी डोली आएगी इसकी डोली जाएगी पता नहीं कितने डेरोगेटरी टर्म्स यूज करते थे जस्ट बिकॉज आई वॉज एफिमिनेट एंड इस चक्कर से मैं बॉय पॉपुलेशन से दूर होते होते गर्ल्स की पॉपुलेशन में एंटर होता जा रहा था बिकॉज कहीं ना कहीं गर्ल्स से मैं रिलेट कर पा रहा था दे यूज टू टॉक अबाउट बॉयज दे यूज टू बिच ऑल द टाइम यू नो जस्ट सिट एंड टॉक एंड I remember कि even in sports period, I would rather prefer sitting on the side, not even playing, because कहीं ना कहीं मैं बहुत excluded feel करता था तो कहते हैं ना कि अगर आपका घर आपकी happy place नहीं होती तो आपका school आपका happy place होता है ना it's vice versa. But मेरे लिए दोनों ही मेरी happy place नहीं थी क्योंकि मैं घर में अलग चीज़ सफ़र कर रहा था एंड मैं स्कूल में अलग चीज़ें सफ़र कर रहा था मेरी लाइफ में स्ट्रगल्स इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या हूँ आई केम आउट एज अ bisexual person बिकॉज मेरे को लग रहा था कि नहीं आई एम अट्रैक्टेड टूवर्ड्स both men and females so I've had girlfriends but उन लड़कियों के लिए भी वो काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था बिकॉज मैं उनके लिए एक मैनली बॉयफ्रेंड नहीं था एंड उनको भी मेरे स्कूल में मॉक किया जाता था कि ये किस छक्के के साथ है इसका लड़का इसके लिए स्टैंड भी नहीं ले पाता तो कहीं ना कहीं मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा फील होता था आई वॉज ऑलवेज रोमांटिकली इंटरेस्टेड टूवर्ड्स देम बट नॉट इन अ सेक्शुअल वे एंड जब मेरे स्कूल में एक मेल टीचर की एंट्री हुई एंड इट वॉज लव एट फर्स्ट साइट एंड आई फेल फॉर हिम एंड इट वॉज सेक्शुअल एज वेल तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था कि नहीं दिस इज नॉट राइट आई एम नेवर सिंपिंग आउट फॉर गर्ल्स एंड इन 2021 अगस्त आई केम आउट एज अ गे पर्सन तब भी बहुत डिफिकल्टीज हुई बिकॉज कुछ कोई भी मेरे बारे में नहीं जानता था एंड इस बीच में मेरे पापा के साथ डिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा था बिकॉज एवरी सिंगल डे मेरे घर में कभी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है कभी फिजिकल अब्यूज हो रहा है कभी वर्बल अब्यूज हो रहे हैं कभी सेक्शुअल वायलेंस हो रहा है एंड सब कुछ के साथ साथ मेरी मम्मी भी इस चीज़ में सफ़र करती थी बिकॉज माई पेरेंट्स वर इन अ वेरी अब्यूजिव मैरिज
इट वॉज अ वेरी ड्रास्टिक मैरिज एंड कहीं ना कहीं मेरे पापा को एक रीजन मिल गया था मेरी मॉम से फाइट करने का बिकॉज शी यूज टू सपोर्ट मी. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. इस बीच में आपकी एंग्जाइटी लेवल इतना बढ़ता जाता है कि आपको समझ नहीं आता है, आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करो, आपका माइंड इतना ब्लैंक होता है, आप स्टडीज में गिरते जाते हो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फॉलो होते जाते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके घर में क्या चीज़ चल रही है, आपके स्कूल में क्या चीज़ चल रही है, आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ चल रही है. आप जहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहते हो आप सोसाइटी से डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, आपकी फैमिली क्या कहेगी, आपके रिलेटिव्स क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली का नाम बचाना चाहते हो बिकॉज अगर आपके पेरेंट्स ने बचपन से आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं तो आप उनका जो एक नाम है, जो एक आपकी फैमिली का टर्म है, आप उसको संभाल के रखना चाहते हो. बस इसी चक्कर में मेरे को लगता था कि नहीं, शायद मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, मुझे उनको, मेरे को अपने आप को हमेशा सप्रेस करके रखना पड़ेगा. 7 जुलाई मेरी बर्थ डेट होती है. आफ्टर 7 जुलाई 2021 11 जुलाई को मेरी मॉम ने मेरा घर छोड़ दिया. शी लेफ्ट माई डैड बिकॉज इट वॉज अ वेरी अब्यूजिव मैरिज एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर एंड फिजिकल टॉर्चर फेस करना पड़ता था. एंड जो मेरा इकलौता बेस्ट फ्रेंड था, मेरी मम्मी भी मेरे से दूर चली गई थी, बट आई वॉज स्टिल इन टच विद माई मॉम. आज तक पूरी मेरी लाइफ में मेरे पापा ने जो एक चीज़ मेरे लिए अच्छी की है, जो मैं आज भी उनको थैंक यू बोलता हूँ, वो ये था कि वो मेरे लिए मेरी लाइफ में मेरा डॉग लेके आए, बॉक्सर. तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स थे. अगर लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे थे तो मैंने अपनी मम्मी और अपने डॉग को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया. एंड जब से मेरी लाइफ में मेरा डॉग आया था मेरे को काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होना स्टार्ट हो गया बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि अगर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, अगर कोई मेरे से बात नहीं करना चाहता इट्स ओके, मैं अपने डॉग से बात करूँगा, वो मेरे को जज नहीं करेगा, वो मेरे को रिप्लाई बैक नहीं करेगा, बट वो मेरी बात ध्यान से सुनेगा. आई जस्ट नीडेड वन गुड लिसनर इन माई लाइफ जो मेरी दिल की बात भी सुने, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपनी स्टोरी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं खुद ही अपने आप को इतना जज और अपने आप को इतना क्रिटिसाइज करता था. सो मेरी मॉम भी मेरे से दूर चली गई थी, बस मेरा डॉग मेरे पास था. एवरी डे वॉज अ स्ट्रगल क्योंकि स्कूल फाइनली ख़त्म हो गया, बट कहाँ जाएँ इसके बाद. पापा से बात होती नहीं, भाई मेरे से बात करता नहीं था क्योंकि उसको अपने पापा को बचा के रखना था कि मेरा भाई ये है, वो इमेज संभाल के रखनी थी, तो मैं अपने डॉग से बात करता था. बट वो एक साल मेरी लाइफ में इतना टफ निकला एंड कोविड में आई फाउंड एन एस्केप थ्रू सोशल मीडिया. मैंने सोशल मीडिया को अपना एक मोड बनाया कि मैं अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर करता हूँ एंड आई स्टार्टेड यूजिंग रील सेक्शन. मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, स्टिल क्रिटिसिज्म आया, लड़का है, मूछें हैं, और मैंने इस बीच अपने बाल भी लंबे करने स्टार्ट कर दिए थे, तो बाल लंबे करने स्टार्ट हो गए तो काफ़ी ही गंदी सी इमेज थी मेरी. आई यूज टू लुक वेरी अगली क्योंकि अंदर से ही वो कॉन्फिडेंस नहीं था एंड मैं और पतला होता जा रहा था. तो वो पतला लड़का, लंबे बाल, मूछ, गंदी सी शक्ल, तो कहीं ना कहीं जो लोगों से क्रिटिसिज्म आ रहा था उससे मैं बॉडी इमेज के बहुत सारे इश्यूज़ यूज़ कर रहा, अपने तरफ फेस कर रहा था. मैं जेंडर डिस्फोरिक होता जा रहा था. अगर मैं किसी से कॉल पे बात करता था, कस्टमर केयर पे या किसी भी डोमिनोज वाले से बात करें, तो हिल बी लाइक, हेलो मैम आप बताइए आप कहाँ आना है, एंड आई यूज टू फील लाइक दैट आई एम अ मैन, आई एम नॉट अ मैम. तो वो वॉइस डिस्फोरिया भी आपके दिमाग में घुस जाता है. जब आप पुबर्टी में आते हो आपकी बॉडी डिफरेंटली फील करना स्टार्ट करती है, बट जो आप अंदर से फील कर रहे हो वो बाहर से चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो दैट्स वेयर डिस्फोरिया हिट्स यू क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि बॉडी के साथ क्या चलता जा रहा है. इस बीच में मम्मी भी चली गई, डॉक्टर से बात कर रहा हूँ बट खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहता हूँ. मेरे पापा मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए टू अ साइकाइट्रिस्ट एंड ही गॉट मी मेडिकेशंस टू ट्रीट मी टू बिकम अ हेट्रोसेक्सुअल पर्सन. एंड कहीं ना कहीं मैंने अग्री भी किया इस चीज़ के ऊपर क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक डिजीज़ है जो ठीक हो सकती है, बट मैंने ये नहीं सोचा कि एक नेचुरल चीज़ है. लोग मेरे से आज भी पूछते कि अब LGBT कम्युनिटी में खुद आए, कब आए, एंड आई वाज लाइक जब मैं पैदा हुआ था मैं तभी एंटर कर चुका था बिकॉज आई एम बॉर्न दिस वे. मैंने ये डिफिकल्ट लाइफ अपने लिए चूज नहीं करी है, मुझे मिली है, इस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट किया है, वो मेरी चॉइस है. तो जब मैंने अपनी रील्स बनानी स्टार्ट करी बहुत क्रिटिसिज्म आया, इस बीच बाल लंबे करने स्टार्ट करे, कहीं ना कहीं मैंने अपनी एक लाइफ अचीव करनी स्टार्ट कर दी क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया. मैं उस डिनायल पीरियड से बाहर आ गया. मंथ्स पास्ड, ईयर्स पास्ड, किसी ना किसी तरह आई केम आउट ऑन सोशल मीडिया टू द पब्लिक, टू द एंटायर वर्ल्ड आई केम आउट. एंड इट वॉज मच बेटर देन कमिंग आउट टू माई ओन फैमिली बिकॉज वहाँ पे लोग खड़े हैं जो ब्लैंक प्रोफाइल्स के पीछे मेरे को तारीफ दे रहे हैं, बट यहाँ पे अपने घर में ही लोग मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं. मैंने बाहर जाना स्टार्ट किया, मैंने कम्युनिटी के लोगों से मिलना स्टार्ट किया, आई वेंट आउट ऑन डेट्स, मैं प्राइड इवेंट्स में जाना स्टार्ट किया, प्राइड मार्चेस में जाना स्टार्ट किया, तो मेरे को लगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और लोग भी हैं जो खुश हैं. ज़रूरी नहीं होता कि आपको क्लोजेट से बाहर ही निकलना है अपनी लाइफ जीने के लिए, आप क्लोजेट के अंदर रह के भी डिस्क्रीट होकर भी अपनी लाइफ जी सकते हो, एंड मैं वो कर रहा था. बट आफ्टर कमिंग आउट टू द एंटायर वर्ल्ड जो स्ट्रेंथ लगी, इट ड्रेन्स आउट योर एंटायर बॉडी, इट ड्रेन्स योर कॉन्फिडेंस, इट ड्रेन्स योर स्ट्रेंथ, इट ड्रेन्स यू कम्प्लीटली.
एंड जब वो हुआ, बट उसके बाद जो रिजल्ट आया वो वर्थ इट था, क्योंकि लोगों ने मेरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने रील्स बनानी स्टार्ट करी, मैंने लोगों को LGBT कम्युनिटी के बारे में समझाना स्टार्ट किया. एंड कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक्सेप्टेंस ना खुद ही से आती है. मैं लोगों को दर दर ढूंढ रहा था कि कोई मुझे एक्सेप्ट कर लो, बट मैंने क्या अपने आप को एक्सेप्ट किया था? नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद ही डिनायल में जी रहा था. बट जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, वाज लाइक कि नहीं, दिस शिट इज स्ट्रॉन्ग एंड व्हाई डू यू केयर व्हेन यू आर दिस हॉट. मैंने अपनी बॉडी पे वर्क किया. मैं हमेशा से अपने आप को एक लंबे बालों में पतले फिगर में चाहता था. मैंने अपने लिए वो बॉडी बनाई. आई हैव 9 टैटूज एंड आई हैव 5 पियर्सिंग्स, बिकॉज जब भी मैं सुसाइडल फील करता हूँ मैं एक पियर्सिंग कराता हूँ. अभी कुछ महीने पहले ही मैंने अपना घर छोड़ा. इट वॉज अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन. रात को 11 बजे मैंने अपना घर छोड़ दिया एंड मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने की. मैंने अपनी मम्मी को फोन किया एंड शी वॉज लाइक कि नहीं, यू हैव टू स्टे एट दैट प्लेस बिकॉज यू ओन द राइट टू दैट प्लेस. तेरा राइट है उस घर में रहना. आई वॉज लाइक कि मैं नहीं रह सकता क्योंकि मेरे साथ बहुत अत्याचार होते हैं वहाँ पे. मैं मेंटली टॉर्चर होता हूँ और मेरे को पता नहीं था कि मैं डिप्रेशन में स्लिप कर चुका हूँ. एंड मैंने अपना घर छोड़ा. मैं एक साइकाइट्रिस्ट को मैंने विजिट किया तो आई गॉट क्लिनिकली डायग्नोस विद जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स एंड डिप्रेशन. मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ में क्या चल रहा है. एक जगह मैं अचीव कर रहा हूँ, एक जगह मेरी मेंटल टॉर्चर इतना बढ़ गया. उस टाइम मैंने ऑर्फनेज को कॉन्टैक्ट किया एंड उन्होंने मेरे को अपने पास रखा एंड मैं 2 महीने एक HIV इन्फेक्टेड हाउस में ऑर्फन्स के साथ रहा. वहाँ से जो मुझे एक्सेप्टेंस मिली, वहाँ से जो मुझे प्यार मिला, इस बीच में मेरी मम्मी को भी लगा कि नहीं, अगर इसने डिसीजन लिया है तो ये ठीक है, ये कोई टीनेज रिबेलियन डिसीजन नहीं है इसका, ये सच्ची में वहाँ नहीं रह पा रहा है. एंड इतने साल से मैं अपनी मम्मी को कहता था कि मम्मा प्लीज़ एक नया घर ले लो ताकि हम दोनों साथ में रहें, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे पापा मेरे को बहुत वो करते हैं. बट वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी इसलिए वो नहीं कर पा रही थी. एंड जब मैं 2 महीने उस ऑर्फनेज में रहता था तब मेरी मम्मी को हिट हुआ कि नहीं, आई हैव टू स्टैंड फॉर माई चाइल्ड वंस अगेन. एंड वो 2 महीना मेरी लाइफ का इतना टफ गया कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरे पास मेरा कोई घर वाला नहीं है, मेरी पूरी बॉडी पे कट्स होते थे. मेरा माइंड रैशनलाइज करता था कि मुझे अपने आप को कट करना, मुझे अपने आप को हार्म पहुंचानी है. कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि मैं सुबह उठ के अपने लिए सुसाइडल थॉट्स नहीं लेके आता था. मेरे अंदर की सुसाइडल टेंडेंसीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मैं सुबह उठता था, मैं सेकंड फ्लोर पे रहता था, मेरा मन करता था मैं यहाँ से कूद जाऊँ. मेरे को कोई शार्प चीज़ दिख रही है, मैंने हाथ उठाया, मैंने अपनी बॉडी पे कट्स मारने स्टार्ट कर दिए. एंड मैंने टैटूज और पियर्सिंग्स के थ्रू एक थेरेप्यूटिक चीज़ ढूंढी कि अगर मेरे को अपनी बॉडी पे पेन ही चाहिए तो मैं ये चीज़ें कराता इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग ब्यूटीफुल कम आउट ऑफ माई बॉडी. मैं क्यों अपने ऊपर अगली कट्स मारूँ? एंड माई मॉम फाउंड आउट अबाउट दिस थिंग कि ही इज़ इन डिप्रेशन, she made a decision to help me heal naturally. I left my medications when I naturally heal karna start kiya. Medication ke side effects mere face pe, meri skin pe aane start kare, wo bhi naturally heal karna start kiya. Social media pe content continue rakha. Apna NGO jo hai maine apna continue rakha. Aaj 3 saal ho gaye mere NGO ko. I have rescued 350 plus animals in Delhi. I find quite liberating when I'm working for animals and when I'm working for the community, because मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो दूसरों में अपनी खुशियाँ ढूंढता है, जो दूसरों को हेल्प करके अपनी खुशी ढूंढता है. मैं अपने लिए कभी कुछ नहीं करता. बट कहीं ना कहीं मैंने सीखा कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे तो आप दूसरों को कैसे हेल्प कर पाओगे? जब आप एयरलाइन में जाते हो तब भी वो सबसे पहले कहते हैं पहले अपनी सहायता करें बाद में दुनिया की सहायता करें. जब मैं खुद ही की अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा था तो मैं दूसरों को क्या हेल्प कर पाऊँ? मैंने पहले अपने आप को संभाला क्योंकि मैं अकेला था, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था, मेरे पास मेरी फैमिली नहीं थी, मैं अपने डॉग से भी दूर हो गया था, तो वो बहुत ही टफ पीरियड था. एंड जब मैंने अपनी मॉम के साथ मूव इन किया धीरे धीरे चीज़ें हुई. इस बीच में मैं अपने भाई से बात नहीं कर पाता था क्योंकि मेरे भाई ने 6 साल मेरे से बात नहीं करी बिकॉज ऑफ माई सेक्सुअलिटी. बट व्हेन आई लेफ्ट द हाउस इवन ही लेफ्ट द हाउस एंड ही मूव्ड इन विद मी एंड नाउ वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड. ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि आई हैव टू स्टार्ट बीइंग पेशेंट. जब तक मैं चीज़ों को टाइम नहीं दूंगा तब तक चीज़ें ओवरनाइट नहीं होंगी. मैंने एक्सपेक्ट किया कि मैं अपने पेरेंट्स को बोलूं कि आप आज ही रात को समझो कि मैं गे हूँ, आप एक्सेप्ट करो. बट इट टेक्स टाइम. सब लोग सेम नहीं होते हैं, सब लोगों की मेंटालिटी सेम नहीं होती है. आज मैं अपने पापा से बात नहीं करता, मैं उनसे कोई टच नहीं रखता, बट कहीं ना कहीं मैं आज भी उनको याद करता हूँ क्योंकि वो बायोलॉजिकली मेरे फादर है, मैं उनसे ब्लड रिलेटेड हूँ. मैं आज भी उनको याद करके रोता हूँ, मैं आज भी उनको माफ़ करना चाहता हूँ, बट मेरे को ये लगता है कि ये वही इंसान है जिसने इतने साल मेरे को टॉर्चर किया मेंटली. और कहीं ना कहीं मैं भूल जाता हूँ कि नहीं, मुझे उनको माफ़ करना है. मैं भूल जाता हूँ ऑनेस्टली. डे लाइफ चूज करिए. मैं आराम से आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. मैं आराम से अपनी फैमिली के साथ रह के अपने सारे प्रिविलेजेस इंजॉय कर सकता था, बट मैंने इंस्टेड ऑफ दैट आई चोज अ डिफरेंट लाइफ फॉर मी जो फुल स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से भरी है.
रोज मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, रोज जो सिक्योरिटी गार्ड वाला है वो मुझे बोलता है कि आप फीमेल सेक्शन के थ्रू जाओ बिकॉज मेरी मूंछ नहीं है, मेरे लंबे बाल हैं, तो ही थिंक्स दैट आई एम अ वुमन आइडेंटिफाइंग पर्सन, बट मैं क्यों जाऊँ बिकॉज आई एम अ मैन। मेरे पापा ने मुझे जैसे ही उनको पता चला कि मैं गई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं देखो दो बूब्स ला देता हूँ, देखो वही तो चाहिए। बट शायद कहीं ना कहीं मेरे को भी ये लगा कि गे होने का मतलब हिजड़ा होना ही होता है। बट जब मैंने इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि गे कम्युनिटी इज टोटली डिफरेंट, हिजड़ा कम्युनिटी इज टोटली डिफरेंट, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज टोटली डिफरेंट, एंड देर आर नॉर्मल। शायद करेक्ट सेक्स एजुकेशन अगर मेरे को अपने ही घर से मिलती तो मुझे अपनी लाइफ के 7 साल वेस्ट नहीं करने पड़ते, मैं अपनी लाइफ में कुछ और कर सकता था, मैं अपने पेरेंट्स को एजुकेट कर सकता था। बट वो सिक्योरिटी मेरे पास नहीं थी, वो ओपननेस, वो फ्रीडम मेरे पास नहीं था जो मैं अपने घर से एक्सपेक्ट कर रहा था। एंड शायद मैंने अपने आप को हर्ट इसलिए इतना किया क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी। बट अगर आप अपने पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो किसे रखोगे? वही गलती मैंने की, वही गलती आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आज की डेट में लोग रोज़ मुझे टेक्स्ट करते हैं कि जो अपने अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स वो मेरे साथ शेयर करते हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो वेंट आउट करते हैं मेरे साथ, एंड देन दे से दैट वी फाइंड वेरी लिबरेटिंग टॉकिंग टू यू। हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं हमसे बात करने के बाद, एंड कहीं ना कहीं वही मेरी जीत है। आई वॉन्ट द वॉर दैट वे, मैं अपनी हेल्प नहीं कर पाया, मैं लोगों की हेल्प कर पाया हूँ, एंड आज मैं खुद भी स्टेबल हूँ, मैं दूसरों को भी हेल्प करता हूँ स्टेबल होने में, यही मेरी जीत है। एंड अगर मैं दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा हूँ और अगर मैं खुश हूँ, दैट्स वॉट मैटर्स। आज की डेट में मेरा डॉग खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी मॉम खुश है, जब हम सब खुश हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बस एक ही यही चीज़ है कि अगर शायद हम लोग हर चीज़ को टाइम दें, पेशेंस से रहें, तो हर चीज़ अपने आप अपने मूड में आ जाती है। What happens, happens for good. Destiny है, भगवान ने जो लिखा है वो होना ही है, सो why fight for it? बट कहीं ना कहीं फाइट करना फिर भी पड़ता है अपने राइट के लिए, अपने लिए, एंड आज वो फाइट कर रहा हूँ मैं, और शायद वो फाइट हमेशा चलती रहेगी क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ पे सब कुछ बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और बहुत ही नैरो माइंडेड है। फाइट हमारी हमेशा रहेगी, खुद से भी, दुनिया से भी, बट कहीं ना कहीं मैंने खुद से जो फाइट थी वो जीत ली है। सो दैट वॉज मी, प्रणाम ग्रोवर, 19, सिस, होमोसेक्सुअल, जेंडर नॉन कन्फर्मिंग पर्सन, एंड दैट वॉज माई स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर स्टोरीज, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टेल्स बाय सक्शन, सी यू सून।